अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सिंपली जिया फूड एंड फैशन और मैं हूं जुवेरिया है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूं फिश की रेसिपी। मैं बनाने वाली हूं फिश। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है आप बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये जो है ये फ़िश पैकेट में मैंने रखी हुई है क्योंकि ये फ्रोज़न थी, इसको टाइम लगेगा, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ तिलापिया यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी अवेलेबल आप ले सकते हैं। ये फिले है बेसिकली, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं फिर इसको निकालती हूँ। और फिर अब हम चलते हैं स्पाइसेस की। सबसे पहले हमारे पास ये ज़ीरा रखा हुआ है, ज़ीरा जाएगा 2 टेबल स्पून। मेरे पास जो है फ़िश थोड़ी अमाउंट में है, मैंने 4 फिले लिए हैं, आप ज़्यादा ले सकते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर आप शामिल कर दें। और ये धनिया पाउडर है, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये है फ़िश मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें बहुत अच्छा रहेगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये फ़िश मसाला है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये साथ में है हल्दी, हल्दी ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसके ऊपर। साथ में मैंने लिया है ये गार्लिक पाउडर है, अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं क्योंकि हमने इसमें गार्लिक पेस्ट भी डालना है। और नमक मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं यह गार्लिक सॉल्ट भी डाल रही हूँ तो ये भी, इसमें भी नमक होता है। तो ये मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून और साल्ट ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। और लाल मिर्च जाएगी हमारे पास 1 टेबल स्पून। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हो चुके हैं, अब बारी है दूसरे इंग्रेडिएंट्स की, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जी जनाब, ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, इसे स्पून या 3 टेबल स्पून आप डालेंगे ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। और ये अदरक लहसुन पेस्ट है, ये मेरे पास रेडीमेड है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। तो ये मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। और ये यहाँ पे मेरे पास लेमन पेपर है, तो ये मैरिनेशन है, अगर आपके पास अगर नहीं है तो आपने लेमन जूस लेके डाल देना है, नो प्रॉब्लम। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स और ये स्पाइसेस जाएंगे और अब हम अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आपने फिश को धोके से आटा लगा देना है, आटा कोई भी फ्लावर आपने लगा देना है, तो 2 मिनट के लिए लगा के रखना है, इससे इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। तो 2 मिनट आटा लगा के उसके बाद इसको वॉश कर लेना है।